ये सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। कार आने की खुशी में आप भगवान के दर्शन करने गए। नट्टू काका और बागा ने जेठालाल को मुसीबत से बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की, और संकट के समय जेठालाल ने किससे मदद मांगी? भगवान से। भगवान ने आप सबकी सुन ली और कार आ गई। भगवान सबकी सुनते हैं, बस उनके सामने हाथ जोड़ो, वो सब कुछ दे देते हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू। और सबको अभी तक आए क्यों नहीं? अरे बापूजी, आप अभी तक सोए नहीं? अच्छा वाजे से तू आ गया। अच्छा वो आ गया, मतलब मैं तो सोडा पी के रोज घर आता ही हूँ ना बापू जी। नहीं मतलब अच्छा हुआ तू जल्दी घर आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे सरप्राइज गिफ्ट देनी है। अरे ठीक है, देखिए ये आके खोल। आके खोलूंगा तो मुझे देख जाएगी ना सरप्राइज क्या है। ए हरक पदुड़ा, सरप्राइज गिफ्ट तुझे नहीं टप्पू को देनी। तो मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे आप? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं टप्पू को सरप्राइज गिफ्ट दूँ, वो तू भी देख। ऐसे टप्पू कहाँ रह गया? होगा अपने टप्पू सेना के साथ, घर पे तो उसका पैर टिकता ही नहीं है ना। किसका पैर नहीं टिकता है? तेरा और किसका? बापू जी कब से तेरा इंतजार कर रहे? मेरा क्यों? बापू जी तुझे सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। मेरे लिए सरप्राइज? हमेशा तू हमें सरप्राइज देता है ना, तो आज मैंने सोचा मैं तुझे सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ। कैसा सरप्राइज? वो बताता हूँ, तू पहले आंखें बंद कर। लेकिन दादाजी, तुझे बोला ना बेटा आंखें बंद कर, और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक खोलना मत और चीटिंग मत करना। ओके दादाजी। आंखें बंद कर। टप्पू मुझे पता ही था तू चीटिंग करेगा, ठीक है आंखें बंद कर। ओके बाबूजी। ए बाबू चेक, तेरी नहीं टप्पूड़ा की आंखें बंद कर। सॉरी सर, मुझे लगा इसने चीटिंग की तो भी इसकी गिफ्ट कैंसल, वो गिफ्ट अब मुझे दे रहे। सॉरी। टप्पूड़ा की आंखें बंद कर। नहीं नहीं दादाजी, अब मैं चीटिंग नहीं करूंगा। नहीं 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 बेटा नहीं। जेठिया चल इधर इधर इधर। चलो रेडी रेडी बाबू जी रेडी। ए नीचे कर। ए अरे ये तू भी आंखें बंद कर। अभी तो मैंने देख लिया बाबू जी। तो मुंह बंद कर। सॉरी। पप्पू अपने दोनों हाथ आगे ला। जेठा अभी आंखें खोल दे। वाओ अरे आप बैठ दादाजी। थैंक यू सो मच दादाजी, थैंक यू सो मच। वाओ दादाजी क्या मस्त बैट है। कपूड़ा ये बैट कश्मीर का है। कश्मीर का? आप कश्मीर कब गए बापूजी? अरे मैं कहाँ कश्मीर गया जेठा, ये तो कश्मीर से मैंने मंगवाया। किससे? वो मेरा यंग गोल ग्रुप का एक दोस्त कश्मीर गया था घूमने, तो उससे मंगवाया मैं। कपूड़ा कैसा लगा बैट? बिल्कुल आपके जैसा प्यारा प्यारा। आई लव यू दादाजी। हाँ लव यू बेटा। ये बैट मेरे लिए सिर्फ गिफ्ट नहीं है बल्कि आपका आशीर्वाद है। मैं इस बैट से देखना चौके मारूंगा, चौके मारूंगा। ए, 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 भाई ए, बेटा आहिस्ता आहिस्ता, लग जाएगा किसी को। सॉरी पापा। पप्पू जी क्या दे दिया आपने? क्यों इसमें क्या खराबी है? अरे मुझे लगा आप कुछ काम की चीज देंगे, आपने तो खेलने की चीज दे दी। तो इसमें गलत क्या है? अरे क्रिकेट तो टप्पू की फेवरेट गेम है। क्यों टप्पू? हाँ आप टप्पू अभी बड़ा हो गया बापू जी। हाँ तो क्या हुआ? अरे खेल तो इंसान को स्वस्थ और प्रफुल्लित बनाता है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, खेलना कभी नहीं बंद करना चाहिए। क्यों टप्पू? हाँ दादाजी थैंक यू सो मच। दादाजी मैं टप्पू से ना कोई सरप्राइज गिफ्ट दिखा कर आता हूँ। अरे अभी कभी गया दिखाने। अरे इसी को दोस्ती कहते हैं जेठिया। दोस्तों के साथ ऐसी छोटी छोटी खुशियां बांटने से दोस्ती और गहरी बनती है।
फ्रेंड्स ये देखो वायर टप्पू नया बैट। हाँ यही दिखाने तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। फ्रेंड्स मुझे दादाजी ने सरप्राइज गिफ्ट दिया। दैट्स सो कूल। ओवे यार दिखा दिखा दिखा। हाँ देखना यार क्या लाइट वेट बैट है यार। स्पेशली कश्मीर से मंगवाया है। उत्तरे दिखा दिखा दिखा। उत्तरे बैट तो ठंडा है। ओए यार इसमें क्रिकेट खेलने का तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। मजा आएगा यार। टप्पू दादाजी तेरा कितना ध्यान रखते हैं यार। तू कुछ मांगे उससे पहले तुझे सब कुछ मिल जाता है। हाँ ये तो है। टप्पू के दादाजी एकदम नंबर वन है। वो एकदम मेरे दोस्त जैसे हैं। इनफैक्ट मेरे दोस्त से भी बढ़कर है। जब वो मेरे साथ होते हैं ना तो मैं बहुत खुश होता हूँ। ईस्ट और वेस्ट टप्पू के दादाजी इज द बेस्ट। इससे इतना मजा आएगा ना क्रिकेट खेलने में। जो मैंने स्कूप शॉट मारा था ना देखा यार बजेगा सिक्स कैसे ये टप्पू से अभी कमाल है। अभी रात को इस वक्त क्रिकेट खेलेगी। टप्पू ये कोई वक्त है क्रिकेट खेलने का। मैं आत्माराम तुकाराम मिड़े गोकुदाम सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी तुम लोग को अभी कंपाउंड में क्रिकेट खेलने की परमिशन नहीं दूंगा। लेकिन बिड़ियन लेकिन लेकिन कुछ नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सब लोग को सुबह काम पे जाना है मुझे भी कल ट्यूशन है। हाँ सबकी नींद खराब होगी। मैं परमिशन नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। बाबा हमारी बात तो सुनिए। सोनू इनकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरा सोचो सब लोग काम से थके हारे घर आए होंगे अभी सोने की तैयारी करे होंगे। तुम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलोगे आवाज होगी तुमको डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन भेड़े अंकल हम लोग किसी के बेडरूम में जाकर क्रिकेट थोड़ी ना खेल रहे हैं। ए आगाऊ तुम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलोगे तो शांति से खेलोगे नहीं। आवाज तो होगी ना ऐसे प्लेट प्लेट थोड़ी ना खेलोगे। ये टप्पू तो हर बॉल पे चौका छक्का मारेगा। थैंक यू भेड़े अंकल। थैंक यू बड़ी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं। तुम शॉट मारोगे मतलब बॉल किसी के भी घर में जा सकती है किसी के खिड़की के कांच टूट सकते हैं किसी को बॉल लग सकता है। अस नहीं 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 तुम लोग यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलोगे मतलब नहीं खेलोगे। और अगर अभी भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं जेठाल को बुलाता हूँ वो तुम्हें समझा देगा। हाँ तो बुला लीजिए ना वैसे भी एक प्लेयर की कमी है। हाँ तुम्हारे पापा को बुलाओ मैं गोड़ा। नहीं नहीं मीडियम कर सिर्फ एक ही प्लेयर कम है। ए, चलेगा गोगी मेरे पापा अंपायरिंग कर लेंगे। वाह बेस्ट बेस्ट। अरे ये निर्लज्जनों का लाज है का तुम्हारा। बीड़े अंकल हम लोग अभी यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं। हाँ आप आजू बाजू देखिए तो सही आपको स्टंप्स या टेनिस बॉल कुछ दिख रहा है। अरे, अरे, ए? बाबा हम कब से आपको यही कहने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा तो फिर ये बैट लेके क्यों खड़ा है। बीड़े अंकल ये बैट मेरे लिए दादाजी ने स्पेशल कश्मीर से मंगवाया है यही मैं इन्हें दिखा रहा था। ये बैट में चाचा जी ने गिफ्ट किया है। हाँ। अरे देवा लग गई बंदर के हाथ सीढ़ी। क्या कहा बीड़े अंकल। नहीं कुछ नहीं कश्मीर से मंगाई है चाचा जी ने मतलब क्या बात है। चला सोनू चला गरी। बीड़े अंकल सोनू से थोड़ा काम है। क्या काम। वो थोड़ा पर्सनल है। नहीं ऐसा क्या पर्सनल है जो मैं नहीं सुन सकता। कम ऑन बीड़े अंकल दिस इज बिटवीन फ्रेंड्स। यस एक अली ये अली। बाबा मैं दो मिनट में आती। लेकिन जल्दी आना। गुड नाइट बीड़े अंकल। गुड नाइट बीड़े अंकल। बाय बाय। ये दे बता टप्पू क्या बात है। मैं ये कह रहा था कि गेट टुगेदर में जाने के लिए हम कल कितने बजे मिल रहे हैं। हमें 10 बजे पहुंचना है तो हम लोग 9 बजे तक निकले। ठीक है सुनो तू और टप्पू 9 बजे पहुंचो। मुझे पिंकू और गोगी को थोड़ा काम है तो हम लोग थोड़े जल्दी जाने वाले। ठीक है कोई बात नहीं कूल। ठीक है तो टप्पू हम कल 9 बजे मिलते हैं। ओके ओके चलो बाय बाय बाय। अरे बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये मेहरबान सोसाइटी के काम करने गया था ना पर बीच रास्ते टप्पू से ना मिली कंपाउंड में। इस वक्त कंपाउंड में बच्चे क्या कर रहे हैं। वो चाचा जी ने टप्पू को नया क्रिकेट का बैट दिया है ना खास कश्मीर से लाया हुआ तो वो सबको दिखा रहा था। वाह अरे वाह का है अभी नया बैट मिला है तो नए शॉट मारे जाएंगे खिड़कियों के कांच तोड़े जाएंगे। बच्चे हैं बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। अरे क्या बच्चे माधवी बड़े हो गए वो कौन से एंगल से तुम्हें वो बच्चे नजर आते हैं।
हमारे बच्चे तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, शान संस्कारी, कभी खिड़कियों के कांच नहीं तोड़ते थे। असल का जल्द नहीं, आपके जमाने में कांच की खिड़कियां कहाँ होती थी? गोबर और उपले के घर बनते थे ना तभी। तुम्हें क्या मैं आदि मानव के जमाने का लगता हूँ? हाँ। हाँ क्या? मजाक कर रही हूँ। अरे मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस विषय है ये। क्या छोड़ो, तुम्हें बोल के क्या फायदा, तुम टपू से ना कहीं साथ दोगी। अब मेरे लिए पानी लेके आओ, मुझे मेंटेनेंस के चेक का काम करना है। आंटी जेठालाल जेठालाल जेठालाल, माला दूं? माला? अब जेठा भाई के नाम का जाप कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा। मैं कोई उसके नाम का जाप नहीं कर रहा था माधवी, मैंने की आखिरी तारीख आ गई है, और हमेशा की तरह सिर्फ जेठालाल का मेंटेनेंस का चेक नहीं आया है। ये बाप बेटे भी कमाल है ना, बाप मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं देता और बेटा सोसाइटी के कांच फोड़ के मेंटेनेंस बढ़ाता है। अभी उसको फोन करके मेंटेनेंस का चेक मांगता हूँ। आहो अभी टाइम तो देखिए, सो रहे होंगे वो। तो क्या मुझे सोना नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही है? लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं उसको अभी फोन करूंगा भले उसकी नींद खराब हो। भेड़े अभी कहाँ फोन कर रहा है? फोन कट कर दिया मेरा। बगा नहीं मंटलो ना, वो सो रहे होंगे। अभी रहने दीजिए ना, पानी पीजिए। आपको पानी चाहिए था ना, चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं चाय नहीं चाहिए मुझे, अभी सोना है ना माधुरी, चाय कैसे पीऊंगा? नहीं आपने बोला ना मुझे काम करना है, मैं अभी काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा काम है, मैं आता हूँ। माधुरी 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 माधुरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम रहने दो, चादर को मैं बिछाता हूँ। सोच अच्छी है आपकी, लेकिन ये आपके बस का काम नहीं है। मेरे बस का काम नहीं मतलब? ये इतना सा काम मेरे से नहीं होगा। नहीं ये नहीं जमेगा आपको। नहीं जमेगा? मुझे नहीं जमेगा? अरे माधवी हमारे जमाने में शाहो, आपके जमाने की बात अलग थी, आपके जमाने में इतने बड़े बेड ही नहीं हुआ करते थे। नहीं चुकते तू, अरे हमारे जमाने में इससे भी बड़े बेड हुआ करते थे, वो भी सागवान की लाकड़ के। और बात वो है ही नहीं माधवी, बेड बड़ा हो या छोटा, बात चादर बिछाने की है। अब देखना ऐसे चादर बिछाता हूँ कि लगेगा इस्त्री करके चादर बिछाई है। शक्यस ने, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ। ठीक है पीछे हटो, अब देखो मैं कैसे चादर बिछाता हूँ। हटो हटो हटो, एकदम कड़क इस्त्री जैसे। इधर खींचा तो इधर से निकल गया, कसो काय घालता है। ऐसे कैसे निकल गया, मैंने तो अच्छे से अंदर बिठाई थी। नहीं ना ते इकड़े करे केला तो तिकड़े गेले मोते। पापा पापा आईने चादर निकाली मैंने देखा। तभी मैं सोचू इतनी परफेक्ट चादर बिछाने के बाद भी निकल कैसे रही है। लबाड़ ओए मी काय केलं, तू बाबा को बता रही की क्या जरूरत थी चमची कुठली? ए चमची नाही बोलायचं, लाडली मेरी लाडली। हां लाडली बड़े आपकी फेवर में होती है हमेशा। अच्छा सुनो तुमने बता दिया, वरना मैं पूरा टाइम चादर बिछाते रहता और ये निकालती रहती। थोड़ी आपको ऐसे रात भर काम पे लगाने वाली थी। पर मजाक कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। आपने बोला ना कि मैं ऐसे बाबा रे में ऐसे बैठा कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगा। टाइम ऑफ टाइम ऑफ टाइम ऑफ। अभी आप दोनों मेरी बात सुनिए, कल हमारे कॉलेज में गेट टुगेदर है, इतने टाइम बाद हम सब फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। अभी मैं सोने जाती हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट आई। गुड नाइट बाबू। मुझे मेरी सुनो पर बहुत गर्व है। मेरी? सिर्फ मेरी मतलब हमारी हमारी सुनो, देखा हर चीज माँ बाप को बता कर करती है। करे करे सब आपके दिए संस्कार है। नहीं सिर्फ मेरे नहीं माधवी, तुम्हारे भी, वरना आजकल के बच्चे करते पहले और बाद में माँ बाप को बताते।
नहीं नहीं बताते भी नहीं है, माँ बाप को बाद में किसी और से पता चलता है। वो मिलिंद दादा का लड़का नहीं फेल हुआ था, पूरा साल मूवीज देखने जाता था, नापास होना रहने तक आया। मैं तो कहता हूँ ना, इसमें उसके माँ बाप की गलती, अपने बेटे से कभी बात ही नहीं की। अरे मैं तो कहता हूँ हर माँ बाप को अपने बच्चों को समय देना चाहिए, दिन में एक बार साथ में खाना खाना चाहिए और बैठ के बातें करनी चाहिए। अक्ति बरोबर है। अरे हमारे जमाने में इस वक्त आप सोने जाते थे। कर लो। जा बेटा जा, बस हो गया, जा सो जा। नहीं नहीं दादाजी, थोड़ी देर और प्लीज। अरे वैसे दादाजी एक बात कहूँ? हाँ बोल। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बिना मांगे बैट गिफ्ट में दिया। अरे बेटा तू मांगे के ना मांगे, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मेरे टप्पू डा को नया बैट चाहिए है। हाँ दादाजी, मेरी भी कई दिनों से इच्छा थी कि मैं नया बैट लूँ, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो पापा से मांगने में मुझे शर्म आ रही थी, पर आपने आपने मुझे बिना मांगे दे दिया। थैंक यू दादाजी। अरे बेटा तू मुझसे कभी भी कुछ भी मांग सकता है, क्योंकि तू मेरे लिए अभी भी वही छोटा सा टपूड़ा है। और मुझे आपके सामने बड़ा होना भी नहीं है, क्योंकि जब आप मेरे साथ होते हो ना तो आप मेरे जितने ही बन जाते हो, मुझे उसमें बहुत मजा आता है दादाजी। Really, दादाजी, I feel very lucky कि आप मेरे दादाजी हो। अरे मैं भी तो लकी हूँ कि तू मेरा पोता है। बस बस अभी बहुत पैर दबा लिए, जा जाके सो जा। जी दादाजी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। मित्राय नमः, रवय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण गर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदि देव नमस्तोभ्यं, प्रसिद्ध नमः भास्कर, दिवाकर नमस्तोभ्यं, प्रभाकर नमोस्तु ते। लगता है मौसम के साथ साथ बबीता जी भी बदल गए हैं, वरना जब भी मैं सूरज दादा को जल अर्पण करने आता था तो उनकी बालकन में उनके दर्शन हो ही जाते थे। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। इस तरफ कहाँ से? वो मैं हाथी भाई के घर पे गई थी। ले क्या हुआ? किसे? आपको? मुझे? कुछ भी तो नहीं। तो फिर हाथी भाई से दवाई लेने क्यों गए थे आप? मैंने कब कहा कि मैं दवाई लेने गई थी? नहीं नहीं, वो तो मुझे कोमल भाभी से काम था तो मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। हाँ तो बराबर, तभी मैं सोचूं आपको दवाई की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। क्यों, मुझे क्यों नहीं दवाई की जरूरत पड़ सकती है? क्योंकि आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं, आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है जेठा जी, मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ कि मैं बीमार कभी नहीं पड़ सकती। तो मैंने तो इतने सालों में आपको कभी बीमार पड़ते हुए देखा ही नहीं। Well, that's a different story, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीमार बिल्कुल नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं बबीता जी, आप बीमार पड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो बोरा है ना वो इतना जबरदस्त है। बोरा बोरा हो, हर इंसान का एक बोरा होता है ना, वो उसके आसपास हो, क्या बोलते उसको, तेज जैसा हो। अच्छा, you mean aura? हाँ वही वो ओरा ओरा। हाँ ओके। तो आपका ओरा इतना जबरदस्त है कि कोई भी बीमारी उसका भेद के अंदर आ ही नहीं सकती। एकदम करेक्ट बोला ये दलाल। बबीता का ओरा इतना टेरिफिक है ना कि कोई बीमार आदमी भी इसको देखेगा ना तो वो भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अय्यर भाई, क्योंकि क्या है बबीता जी, सॉरी जनरल, क्या है मेरे को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और अभी कॉफी पीना भी बाकी है। हाँ तो पी लो। किधर से पिएगा? बबीता कॉफी बनाएगा तब पिएगा ना। क्या अय्यर भाई, एक साइंटिस्ट हो क्या आपको कॉफी बनाना नहीं आता? जडालाल मेरे को कॉफी बनाना आता है, लेकिन क्या है कि बबीता के हाथ का बना हुआ कॉफी का टेस्ट कोई बीट ही नहीं कर सकता। अच्छा चलिए जेठा जी, चलिए चलिए आज आपके हाथ की कॉफी पीते हैं। जडालाल चलिए, मतलब एक्चुअली बबीता ने तुमको बाय बोला है। बाय जेठा जी। ओ अच्छा, ओ सॉरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए ना जेठा जी, आज साथ में कॉफी पीते। नहीं नहीं, मुझे भी दुकान जाने में लेट हो रहा है बबीता जी, फिर कभी।
फिर कभी पक्का आपके हाथ से आपके हाथ की बनी कॉफी पीऊंगा पक्का। ओके 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 यार बाय 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 बाय। सॉरी बाबा। क्या कर रहा है टप्पू? सॉरी सॉरी सॉरी। टप्पू ने बजाई सीटी, वो भी सोनू को बुलाने के लिए। और आप तो जानते हैं कि भिड़े और टप्पू के बीच में 36 का आंकड़ा है। भिड़े टप्पू की हर शरारत पे भड़कता है, और जब बात अपनी प्यारी बेटी सोनू की हो तब तो भिड़े भूचाल ला देगा। टप्पू की बजाई सीटी की गूंज भिड़े के जीवन में तहलका लाने वाली है। भिड़े को जब पता चलेगा कि टप्पू ने यह सीटी सोनू के लिए बजाई है तब भिड़े टप्पू की बैंड बजा देगा। तो क्या लगता है आपको, क्या करेगा भिड़े? अब टप्पू की सीटी की आवाज हंगामे में बदलती है या फिर ठाकों में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोलो। नहीं, अब खोल। वाओ, मेरे फेवरेट चॉकलेट, सो स्वीट। थैंक यू टप्पू, थैंक यू। ये तो गले मिल रहा है। ए बाप रे, सोनू के हाथ में चॉकलेट, मैचिंग कपड़े, कहीं सालने का है। आत्माराम, नक्की कुछ गड़बड़ है, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।